इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव कि हम ये देंगे, और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। जी बिहार विधानसभा का बजट आया है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 8 लाख का रोजगार देंगे। बस दे दें, सिर्फ बातें ही ना करें ना, 20 लाख की इन्होंने बात कर रखी है। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कभी भी बिहार में चुनाव होंगे, और कभी भी इसीलिए होंगे क्योंकि जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बात जानते हैं कि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। ऐसे में सिर्फ घोषणाएं करना कि हम इतने लाख को ये देंगे तो उतने लाख को हम वो देंगे, भाई पिछले 18 साल से जो मुख्यमंत्री हैं वो आज भी अगर उनको घोषणाएं ही करनी पड़ी कि हम ये देंगे, और जब कोई रोजगार मांगने जाता है तो आप उन पे लाठियां चलाते हैं। भाई हम लोग तो स्वागत करेंगे, अगर आप सही में जो बातें आप कह रहे हैं अगर आप उन बातों को पूरा कर दें तो हम लोगों से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी, पर ये बातें आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं, इसीलिए बिहार की जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। अपराधी घटना बढ़ गई है, क्राइम चरितमानस लेके आते हैं तो कोई राम पे सवाल खड़ा कर रहा है, सदन में आते हैं तो कोई हनुमान। अब बताइए, ये सारी बातें करने वाली बातें हैं क्या? राम थे राम नहीं थे, ये तमाम बातें मैं हम बार बार कहते हैं, ये आस्था का विषय है भाई। जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है संभवतः वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होगी, छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति की आस्था पर, क्यों किसी की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते सबकी भावनाओं का सम्मान करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, और राजनेता होने के नाते जनता की सेवा करना आपका काम है ना, ना कि इस तरीके की बातों को उछाल कर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। क्या मिल जाएगा भैया ये सारी बातें बोल के कि राम बड़े थे रावण बड़े थे, ये तमाम बातें करने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? आज की तारीख में भैया आप एक सरकार का हिस्सा हैं, आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे दे, अपराध से कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखें, ये जिम्मेदारी है ना आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ऐसे में बिना मतलब की इस तरीके की बातों को कुरेद कर समाज में एक असंतोष पैदा करना कतई जायज नहीं। आरजेडी नेता का अपहरण के बाद सवाल कानून व्यवस्था पूछ रहे हैं, हालांकि वो डॉक्टर भी लापता है, डॉक्टर संजीव तक नहीं मिले हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव जंगल राज वापसी हो गई, किडनैपिंग शुरू। भाई देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था कैसा था, जंगल राज हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था, पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का युवा है उसको नहीं पता और उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि 15 साल 20 साल पहले का बिहार कैसा था, उसको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है। और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। सदन में कल नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई। अरे प्रभु, बढ़िया बात, आप भी मांग करेंगे? आप जानते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे समय से हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। भाई मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज मैंने कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी मैंने कहा है कि NDA से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या दो सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए MLC की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूँ, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं।
तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर, उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं। तेजस्वी यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन 25 तारीख को हाजिर होने की फिर से बात कही गई। लगता है कि डर है कि भाई, मुझे लगता है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं बार बार मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके पास, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपके पास डरने के लिए या कुछ छुपाने की कोई वजह नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप सही हैं तो उतनी ईमानदारी से आप बाहर भी आए। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट चाहिए भी नहीं था भाई। मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, जब आप गठबंधन अगर आप तय करते हैं तो बहुत सी बातों को मद्देनजर रख के गठबंधन तय किया जाता है। एक सीट पे चुनाव लड़कर कोई गठबंधन की घोषणा नहीं होती, या एक चुनाव जहाँ पे चार या पांच सीटों पे चुनाव चल रहा है, इस पे गठबंधन तय नहीं किए जाते। जब तक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, गवर्नमेंट एजेंडे को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, लोकसभा विधानसभा की सीटों को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, भाई हम लोग का लक्ष्य ये 5 MLC का चुनाव नहीं होना। हम लोग का लक्ष्य 2024 के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है। गठबंधन की घोषणा होगी तो वहाँ की तमाम बातों को तय कर कर ही गठबंधन की घोषणा। अंतिम सवाल है, बैठक हुआ है दिल्ली में आप लोगों की, कहा जा रहा है कि अब हम लोग अपनी समीक्षा के लिए कि अब हम लोग मतलब पूरे ये में चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कुछ समीक्षा से बाहर निकला है बातें? बिल्कुल, राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संविधान के अनुसार ये पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी होती है। हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, बट उससे भी बड़ी बॉडी जिसमें देश भर के जिला अध्यक्ष उस दिन उपस्थित थे। देश का शायद ही कोई जिला ऐसा होगा जहां से उपस्थिति लोगों की उस बैठक में नहीं थी। तो ये एक बड़ी बैठक होने के नाते इसमें यकीनन फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी का मनोबल यकीनन नागालैंड के परिणामों से लोगों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर नागालैंड जैसे राज्य में जाकर पार्टी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है तो ये उम्मीद है कि बाकी राज्यों में भी आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे चुनाव हैं, अगर हम लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता मेहनत कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं। 2 राज्यों में पार्टी को मान्यता आज की तारीख में प्राप्त हो गई है, 2 और राज्यों में अगर प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल जाएगा। उस लक्ष्य की ओर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से संकल्पित होकर अब आगे भाई, वो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, वो आ रहे हैं। बट ये जो तुष्टिकरण की जो राजनीति होती है, जहाँ पर आप जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप लोगों को अपनी तरफ जान बुलाते हैं, आए हैं, सीधा सीमांचल गए हैं, कारण भी भैया स्पष्ट है क्योंकि वहाँ पर एक समुदाय विशेष की जनसंख्या ज़्यादा है। ये तुष्टिकरण की राजनीति का मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा हूँ। अगर आपको किसी भी राज्य की, या अगर ओवरऑल अगर आपको बिहारियों की या भारतीयों की भलाई या विकास की बात करनी है तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।